हमारे हिंदू धर्म में आंवला की एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य, समृद्धि एवं खुशियों में वृद्धि होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से आंवला की एकादशी का व्रत और पूजन विधि। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह आमल की एकादशी कहलाती है और इस बार यह आमल की एकादशी 20 मार्च के दिन होने जा रही है। क्योंकि इस एकादशी के बाद होली आती है और वृंदावन जैसे तीर्थों में एकादशी से होली प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि आमल की एकादशी का संबंध आंवले के वृक्ष से होता है, आमल की का अर्थ आंवला होता है, इसलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। और साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और प्रातः काल जब यह व्रत प्रारंभ होता है तो आंवले का और चटनी जैसा बना करके आंवले का उपचार बना करके स्नान करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। आंवले का जो फल रहता है, आंवला जो रहता है, वो भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजन के पश्चात प्रसादी के रूप में चढ़ाना चाहिए और आंवले को उस दिन प्रसादी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा आंवले के वृक्ष का या आमल की एकादशी का महत्व बताया गया है पद्म पुराण में। तो पद्म पुराण के बताए अनुसार इस विधि से यदि हम आमल की एकादशी के व्रत को रखते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करते हैं तो हजारों विष्णु यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है और सैकड़ों तीर्थ दर्शन करने का जो पुण्य फल है वो केवल विधि पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत रखने से हमको प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें, आंवले से उपटन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का आंवले के व्रत के नीचे पूजन करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का हमको पाठ करना चाहिए। सायंकाल के समय तुलसी जी में शुद्ध घी का दीपक लगाएं और साथ ही साथ जो आंवले का वृक्ष है उसमें 11 दीपक लगा करके उन दीपकों का पूजन करना चाहिए। यह विधि आमल की एकादशी की है। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत खोलने के पूर्व किसी ब्राह्मण को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, स्वर्ण दान करें, दक्षिणादि दान देना चाहिए। इसके पश्चात व्रत का पारायण हमको करना चाहिए। इसके संबंध में एक कथा का वर्णन आया है कि पहले के समय में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी का बड़ा महत्व था। पूरी प्रजा आमल की एकादशी के व्रत को रखती थी, सारी एकादशी के व्रत को रखती थी और राजा स्वयं भी आमल की एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा की सेना पीछे छूट गई, राजा आगे बढ़ गया। जब राजा आगे बढ़ गया तो कुछ राक्षसों ने डाकुओं के वेश में राजा के ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन आमल की एकादशी व्रत करने के प्रभाव से जब वे राक्षस जो डाकू रूप में थे राजा के ऊपर किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रहार करते थे तो फूल बन करके वो राजा को लगते थे। क्योंकि राजा अकेला था और उन डाकुओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण बहुत देर तक यह संघर्ष चला और संघर्ष के कारण राजा संज्ञाहीन हो गया, चेतना शून्य हो गया, राजा बेहोश हो गया। जब राजा बेहोश हो गया तो आमल की एकादशी के प्रभाव से राजा के शरीर से दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और दिव्य शक्ति ने उन सारे राक्षसों का अंत कर दिया। जब राजा को चेतना आई, राजा को पुनः होश आया तो उसने देखा कि मेरे आसपास जितने भी ये राक्षस हैं, ये सारे राक्षस मरे हुए हैं। मन में चिंतन किया, विचार किया कि ये राक्षस किस प्रकार से मर गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम जो आमल की व्रत को करते हो उस आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से जब तुम चेतना शून्य हो गए थे तब तुम्हारे शरीर से एक वैष्णवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उस वैष्णवी शक्ति ने इन सभी राक्षसों का अंत किया और वह वैष्णवी शक्ति जो है वह पुनः तुम्हारे शरीर में
समाहित हो गई है। तो एकादशी के व्रत से राजा की रक्षा हुई, उस राक्षसों उन सारे राक्षसों का अंत हुआ और वैष्णवी शक्ति राजा के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा अमल की एकादशी का महत्व है। यदि हम हमारे जीवन में एकादशी के व्रत को धारण करते हैं और विशेष रूप से अमल की एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन भजन करते हैं, आंवले का इस दिन सेवन करते हैं, तो निश्चित ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है, सारी आपत्ति विपत्ति संकट दूर होती है, सब प्रकार से हमारी रक्षा होती है और सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्ति होती है।